नवंबर 2014, एक बार फिर ऐसी घटना हुई जिसने दो साल पहले हुए दर्दनाक दिल्ली गैंगरेप केस के जख्मों को कुरेद कर रख दिया। अभी तो लोगों के मन में उस केस को लेकर जो गुस्सा था वो शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली से जुड़े हरियाणा राज्य के गांव में हुए एक जुर्म ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और एक बार फिर से हमारे समाज में पल रही हैवानियत को सामने लाकर खड़ा कर दिया। होगा रपड़ लिखाने से तेरे को मालूम ना है के छोरी बाबली है। चल सब सब रिपोर्ट लिखानी है जी। मारी बहन कल दोपहर से घर वापस ना आई जी। अड़ोस पड़ोस देखा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। साहब यही बात मैं कब से समझा रहा हूँ पर इसके समझ में ना आ रहा। मैं इसका पति हूँ साहब, ठेकेदारी का काम करता हूँ, दिन भर घर से बाहर रहता हूँ, शाम को घर आया तो पता चला कि बेबी घर पे ना है। तब से समझा रहा हूँ, रात भर से परेशान कर रखा है, थाने चलो थाने चलो। तो सब जगह तो देख लिया साहब, रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी ना जी। मैंने रात भर घर घर जाके ढूंढा है मेरी बहन को, कितना मिली जी। बेबी बेबी कित गई बेबी, नहीं मिली। नहीं उस तरफ देखो। बेबी थोड़ा और ढूंढ लो, रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखी जाती है। कहाँ ढूंढूं साहब, रात भर उसे घर घर जाके ढूंढना है। छोटी सी मासूम सी है मेरी बहन, पता नहीं क्या हो रहा है। साहब किस औरत की बहन खो गई है। उम्र क्या है आपकी बहन की। साहब 15 साल, कल दोपहर से घर वापस ना आई। सर हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो, तुम्हारी ऐसी होती है। ऐसी ना है मेरी बहन साहब, उम्र से 15 साल की है, दिमाग से तो छोटी बच्ची है मेरी बहन। राजू बेटा जरा कंघा गिर गया उठा के दे तो। अब बेबी मौसी को बोलो ना, उधर ही तो गिरा है कंघा, दिख नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रहा। छोटा सा है, जरा सा काम बोल दो, लंबी लंबी बातें करता है। अच्छा तू हट, मैं लेती। किधर जा रही है, किधर जा रही है, रुक चल बैठ। जरा सा छोड़ दो इस लड़की को तो कहां से कहां चली जाती है। बेबी मौसी क्या बना रही है तू? अरे बता ना, अरे बता। ला मैं इसको और अच्छा बना देता हूँ। क्या था? हाँ जो, अरे जो, अरे देना दे दे जरा, ये देखो इसने मैं ड्रॉइंग करा मुझे। अरे मासी ने तंग कर रही है, लपड़ खाएगा कान के नीचे। आराम से बैठो, चलो बैठो, चलो खाना खाओ, चलो अभी खाना खाओ, अच्छे से चबा चबा के खाना खाइए। हम्म, ओ तेरी दवाई लाना तो भूल ही गई।
चल तू खाना खा, मैं दवाई लाऊं। झगड़ी हो ना दोनों जन। ले लो ए चक्र गुब्बारे, ले लो ए रंग बिरंगे गुब्बारे, ले लो चक्र गुब्बारे, ले लो। राजू बेबी मैं से किधर गई? अभी तो यहाँ पे थी, मुझे नहीं पता, मैं तो खा रहा था। हे भगवान, फिर भाग गई। ये लड़की का पैर एक जगह टिकता ही ना है, परेशान करके रखा है। सब मैंने सोचा कि आसपास ही गई होगी, आ जाएगी। एक मिनट भी एक जगह टिक के ना बैठती थी वो। शाम ढलने लगी पर वो फिर भी ना आई। मैं उसे ढूंढने निकल गई साहब, मैंने उसे जगह जगह ढूंढा पर कहीं ना मिली वो। वैसे रिपोर्ट तो 24 घंटे बाद लिखी जाती है, लेकिन इनकी बहन दिमाग से कमजोर है। इनकी रिपोर्ट लिख लो और तलाश जारी करो। सर, नाम? विनीता। पर विनीता नाम से तो सुनती ना है जी। बेबी बेबी बोलो तभी जवाब देती है, इतनी भी समझ ना है उसमें। कोई साथ में फोटो है उसकी? हाँ सर। जब वो आखिरी बार घर से निकली थी तो किस रंग के कपड़े पहने थे उसने? साहब वो गेहूं रंग की सलवार और दुपट्टा और गुलाबी रंग का स्वेटर था और नीले रंग की कमीज पहनी थी जी। हर गुनहगार सबसे पहले सबूत मिटाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि खाक से भी सबूत निकाले जा सकते हैं। बेजुबान लाशें भी बोल सकती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। विनीता और बेबी को लापता हुए 3 दिन बीत चुके थे और स्थानीय पुलिस ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया था, लेकिन 4th दिन जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। सर कुत्ते लाश को नोच रहे थे, मैंने पत्थर मार के भगाया, तो आपको फोन किया। हटो। सर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये लाश किसी लड़की की है। शरीर पे कपड़े भी नहीं है और कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा बुरी तरह से बिगड़ चुका है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। और आसपास के जितने भी थाने हैं उसमें पूछताछ करो कि किसी भी लड़की की मिसिंग होने की कोई रिपोर्ट तो नहीं है। यस सर। 2 दिन पहले हमारे थाने में वो औरत आई थी। यस सर। जिसकी बहन लापता थी, उससे भी पोस्टमार्टम के बाद पूछताछ करो। एक बार थानेदार को पूछ के तो देखो। क्या पूछना सर? रिपोर्ट लिखा तो दी तेरे कहने पे बेबी की? मम्मी बेबी मौसी कब आएगी? देखा, इतने छोटे से बच्चे को फिकर है, आपको ना है कोई फिकर। मैंने समझा था ना तेरे को, मुसीबत सर ना ले, पर तेरे समझ में ना आता। पागल से तेरी बहन चली गई होगी कहीं, आपके अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे ढूंढता फिरूं के? बहन ना है, बेटी है मेरी, उसके बिना तो एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरता। सारा दिन भगवान से दुआ करती कि कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। लड़की के सर को बुरी तरह से कुचल दिया गया है,
बॉडी की हालत बहुत खराब है। इट्स अ केस ऑफ गैंगरेप। इंटरनल इंजरी भी काफी है। ये मटके के टुकड़े, ये बीड़ी के टुकड़े, ये यूज्ड कॉन्डोम और ये टूटी हुई लकड़ी, ये सब लड़की के प्राइवेट पार्ट से मिले हैं। पिछले 21 साल से पोस्टमार्टम कर रहा हूं, मगर बॉडी की ऐसी हालत मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इतनी बर्बरता, इतना वहशीपन आता कहां से है? आखिर किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग जो इस हद तक जा सकते हैं? दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून में बदलाव की मांग उठी थी, सजा सख्त से सख्त हो, ऐसी मांग उठी थी। लेकिन क्या सिर्फ कानून के सख्त हो जाने से ऐसे जुर्म रोके जा सकते हैं? लड़की की उम्र कितनी थी? यही कोई 14-15 साल। लड़की का शरीर थोड़ा भारी था। मौत कितने घंटे पहले हुई होगी? लगभग 72 घंटे पहले, 2 तारीख की सुबह 4 से 5 बजे के बीच। मौत कुत्तों के नोचने की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की हैवानियत की वजह से हुई है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि रेप में कितने लोग शामिल थे? पक्का बता पाना तो मुश्किल है, मगर बॉडी पर लगे निशान ये बताते हैं कि ये गैंग रेप है। सर, इस कांड में कम से कम 2 लोग तो शामिल है ही, क्योंकि लड़की का शरीर भारी था और इतने भारे शरीर को इतने ऊंचे दीवार के पीछे फेंकना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये लोग जो भी हैं, इंसान नहीं है, और अगर इन्हें जानवर कहें तो जानवरों की भी बेइज्जती होगी। ओए होए, देख तू अति कच्ची आम भी आ रही है। अरे राकेश भाई, वो कच्ची उम्र की चोरियां हैं, तने ना देखेंगे। सारा लुगाई, ना तो तेरे मूंछ के बाल हो गए ना नीचे के। देखिए क्या करूं मैं। एकदम टेंशन मत ले, सब चढ़ा दिया। भौंक रहा है सर, इसका मतलब कि यही वो जगह है। ये देखो फुटप्रिंट, अलग अलग पैरों के। आई एम श्योर गैंगरेप यही हुआ। तलाशी लो। सर ये देखिए मटके के टुकड़े, ये मटके के टुकड़े। सर, सर ये बीड़ी के टुकड़े।
ये बीड़ी के टुकड़े। सर ये जैकेट देखिए, ये ग्लव्स भी इसी जैकेट में से मिले। इसका मतलब ये है कि इन हरामियों में से कोई एक सफाई कर्मचारी भी था। वो लोग लड़की को यहीं लेकर आए होंगे, गैंगरेप भी यहीं किया और फिर पत्थर से सर को चलकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके, और फिर उसकी लाश को उस दीवार के पार झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने सोचा होगा कि जानवर उसकी लाश को नोच खाएंगे और उनके जुर्म से कभी पर्दा नहीं उठेगा। सर, सर ये देखिए, ये स्वेटर उसी लड़की का हो सकता है जिसका रेप हुआ। भगवान, के कर रही है तू छोरी? सारा गोला मट्टी मट्टी कर दिया। बावली है के? छोटी बच्ची ना रही, 15 साल की हो गई तू। सुमन, तू क्यों झूठी उम्मीद लगा के बैठी है? या 60 साल की हो जाओगी ना तो भी बच्ची ही रहोगी, बल्कि तेरी उम्र बीत जाओगी इसने संभालते संभालते। तो क्या हुआ, बच्ची है तो क्या हुआ? सुना ना है चाची, बच्चों में भगवान बसते हैं और ये भगवान सदा मेरे साथ रहेंगे, है कि नहीं? हुँ? हवलदार साहब, कुछ पता चला? बेबी का गायब होना और एक लड़की की लाश का उस अवस्था में मिलना, इन दोनों कड़ियों का जुड़ना अभी बाकी था। धड़ का ऊपरी हिस्सा कुत्तों ने नोच खाया था, इसलिए पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था, और गुनहगार भी यही चाहते थे। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि आप लाख कोशिश कर लें लेकिन जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है। सर, ये स्वेटर आपकी बहन का है? अरे दीदी, दीदी, अरे थम जा, क्या कर रही है? गर्मी में स्वेटर थोड़ी पहनते हैं बावली। नहीं पहनना है, गर्मी लगेगी। पहनना है। ओहो, अच्छा ठीक। मेरी बेबी का स्वेटर नहीं है ये, मेरी बेबी का स्वेटर नहीं है ये। ये स्वेटर बेबी कैसे? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि ये लाश बेबी की ही है। उसका डीएनए उसकी बड़ी बहन से मैच करता है, और सर कच्चे मकान में मिले सबूत और पोस्टमार्टम में मिले सैंपल्स भी एक दूसरे से मैच करते हैं। लड़की के परिवार वालों को खबर करो और बॉडी भिजवाने का इंतजाम करो। सर एक बात और, फुटप्रिंट से ये तो तय है कि इस कांड में सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन कितने लोग शामिल थे इस बात का पता नहीं। उसकी बहन ने क्या बताया था, कब गायब हुई थी वो? सर 1 तारीख को, लड़की 1 तारीख को गायब हुई। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से मौत 2 तारीख की सुबह हुई है, लाश हमें मिली 72 घंटे बाद। सर यानी 4 नवंबर को। 1 तारीख से 4 तारीख के बीच उस एरिया में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर हमारा अनुमान है कि उनमें से एक सफाई कर्मचारी था, और हमें अपने हर अनुमान को जांचना है। आसपास के गांव में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, स्कूलों में, अस्पतालों में या कहीं भी, उन सब के नाम की लिस्ट निकलवाओ सर, और सबसे पूछताछ करो।
मुजरिमों में एक को बीड़ी पीने की आदत है और उसकी आदत है वो बीड़ी पी के आधी फेंक देता है। बात छोटी सी है लेकिन हमें इसे भी नजरअंदाज नहीं करना है। सर बहुत गर्मी है ना उसके अंदर, उसे तो बीड़ी बनाकर हम जलाएंगे। अरे भूतनी वालों सालों, बाहर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है और तुम यहाँ में लगे पड़े हो, क्यों रहे? ततनु कहता कि सारे कपड़े जला दिए, फिर कपड़ों से कैसे पहचान लिया उसकी बहन ने? अरे अखबार पढ़ो कि नहीं पढ़ो? अरे मामा तेरी हमेशा ही पट्टी रहे। अरे एक बात बता, हम तो आराम पड़े बैठे, हमने पता ही ना क्यों लिख रहे अखबार में, क्यों? यू नाच गाने का टाइम ना है, पुलिस ने बेरा पाट गया है कि इस कांड में कोई सफाई कर्मचारी भी शामिल है। मैंने पहले ही कही थी कि सब कुछ अच्छे से साफ सफाई कर दियो, पर सारा कोई मेरी सुने तब ना। अबे फट्टू तू क्यों डरे भाई, तू तो टेम्पो चला हुए है ना, सफाई कर्मचारी थोड़ी है। अबे देखो तो भाई साले की कैसे फटी पड़ी है। तेरी फट गई जा, डर रहे हो बड़ा मामा, यहाँ बैठ। अरे बैठ, एक बात बता, पूरे जिले में कितने सफाई कर्मचारी हैं? पर पुलिस आड़े किस किस की वर्दी चेक करेंगे? साले ने कति मूड खराब कर दिया। पकड़े बोतल। सर घटनास्थल के आसपास के गांव के सभी सफाई कर्मचारी वही हाईवे से आना जाना करते हैं। सर ये सफाई कर्मचारी की पूरी डिटेल है, पर जो लोग दिहाड़ी में काम करते हैं उनमें से कुछ के नाम और पते नहीं मिले। सर ये रहे 1 से 4 नवंबर तक के फोन कॉल डिटेल्स। इन 4 दिनों में उस हाईवे पे करीब 1.5 लाख फोन नंबर एक्टिव थे और इन 1.5 लाख में से गुनहगारों को ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। 1.5 लाख तो क्या, 1.5 करोड़ फोन नंबर से भी ढूंढ निकालेंगे एक एक को, कब तक छुपेंगे? बेबी की चिता ठंडी पड़ चुकी थी लेकिन पुलिस और लोगों के दिलों में दहक रहे गुस्से के शोले इतनी आसानी से नहीं ठंडे होने वाले थे। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था कि इस घटना में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। इंस्पेक्टर रघुनाथ और उनकी टीम ने यह तय कर लिया था कि केस चाहे कितना ही पेचीदा और मुश्किल क्यों ना हो वो उन दरिंदों को सजा दिलवाकर ही रहेंगे। यही वो जगह है जहां हमने उसे आखिरी बार देखा था, एकदम सीधी सी मासूम सी थी मेरी बहन, किसी से बात तक नहीं करती थी, बस हमारे साथ ही रहती थी। कोई तो ऐसा होगा जिससे वो मिलती होगी, उससे बात करती होगी, कोई भी? ऐसा हो सकता है कि कोई उसे मिलने आया हो घर पे या वो गई हो किसी से मिलने? माँ उस दिन वो चक्री वाला आया था। चक्री वाला? कौन चक्री वाला? रोको गाड़ी, रोको उसके पास। ए, रुको। इसको जानते हो? जानते तो नहीं साहब, पर देखा है, वो कोने के मकान में रहते हैं वहाँ पर। जिस दिन गायब हुई थी यानी 1 तारीख को, उस दिन देखा था तुमने इसको? तारीख तो याद नहीं है पर कुछ दिन पहले देखा था।
क्या है गुब्बारे चक्री पीछे लाइए जा पीछे लेके आ जा क्या कर रहा है पीछे लेके आ फिर आगे एक के बार घराना हूं ना तो पैसे दे दिए ले मैंने उसने ना उत जाते देखा था ठीक है तुम जा सकते हो जी साहब नजर रखो इस पे सर यहां से हाईवे बाईपास जाने के दो रास्ते हैं यस सर एक ये रास्ता एक पक्का वाला रास्ता इन दोनों रास्तों पे पूछताछ शुरू करो हर ढाबे हर दुकान पर अपने हर खबरी को काम पे लगाओ यहाँ आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबसे हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड चेक करो ओके सर और हाँ यहाँ जहाँ कहीं भी सीसीटीवी हो वहाँ से 1 और 2 नवंबर की फुटेज चेक करो कब्र में भी छुपे होंगे तो ढूंढ निकालेंगे उन्हें सर बताया इसने नहीं सर लेकिन शायद बेबी यहीं कहीं से गुजरी होगी लेकिन यहां तो किसी ने उसे नहीं देखा वो देखो सीसीटीवी 1 और 2 नवंबर की सारी फुटेज निकालो उसकी हमारी बेबी बेबी सर ये फुटेज 1 नवंबर रात 10:15 की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 2 तारीख को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुई सर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर सीधा इसी रास्ते से थोड़ा सा हटकर क्राइम स्पॉट है सर्च नैरो डाउन करो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में इस हाईवे के पैच में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे उन सब की लिस्ट निकलवाओ और यहाँ आसपास कौन सा गांव पड़ता है सर जलालपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है तो उन एक्टिवेटेड नंबर्स की लिस्ट में से जलालपुर का कौन सा है ये मुझे बताओ हो सकता है उनमें से कोई इस कैमरे के सामने से गुजरा क्राइम से पहले या क्राइम के बाद बेबी इस कैमरे के सामने से गुजरी थी तो बेबी के गुजरने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद की फुटेज हम चेक करें तो हो सकता है वो जैकेट वाला हमें दिख जाए मुझे वो फुटेज फिर से चेक करनी है थोड़ा फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड करो स्टॉप स्टॉप थोड़ा पीछे करो पॉज यहां पे पॉज करो इसको जूम कर इस मोटरसाइकिल वाले ने वैसे ही सफाई कर्मचारी वाला कपड़ा पहना जो हमें घटनास्थल से मिला था सर सर एक नंबर है जो जलालपुर से है और वारदात वाले दिन वहां पर एक्टिव था और सर एक बात और यही नंबर वारदात के दूसरे दिन यानी कि 2 नवंबर की सुबह भी एक्टिव था जहां पर दीवार के पीछे बेबी की लाश मिली थी सर ये नंबर एक सफाई कर्मचारी का है नाम है सतीश इस सतीश का एड्रेस क्या है ताला तोड़ो यहां देखो सर देखिए क्या मिला हाँ ठीक है देखो कुछ और मिलता है तो ये वही सफाई कर्मचारी और बड़ी हड़बड़ाहट में यहां से निकला इस सतीश के नंबर को सर्वेलेंस मिलो और इसकी लोकेशन ट्रैक करो और 2 नवंबर के बाद ये कहां गया है किससे मिला है ये सब कुछ पता करो आसपास सबसे पूछताछ करो ओके सर सर सतीश ने कल रात को आगरा से इसी नंबर से एक कॉल किया था 1 तारीख से लेकर अब तक 29 कॉल कर चुका है वो और जिस नंबर पे इसने कॉल किया था उसका पता चल चुका है सर दर्द दबोचते हैं साले को एक की कुंडली हाथ लगी
बाकी सब की कुंडलियां भी खुलवा लेंगे। बस बस रुको। साहब बैग नहीं, साहब रोक लो इन्हें, बेमतलब मार रहे हैं। बेमतलब में मार रहा हाँ। तो भागा क्यों था देख के पुलिस को? कौन भाग रहा था? तू भागा था ना पुलिस को देख के? मैं तो चल रहा था, ये आप पुलिस मेरे पीछे भाज पड़ी। अब मैंने क्या पता क्यों भाजी, मैं भाज लिया। ठीक से धुलाई नहीं की इसकी अभी तक, इसमें मुंह नहीं खुला है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब पिछवाड़े बनना पड़ेगा ना तो मुंह अपने। मैंने कुछ ना किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे खिलाफ सबूत है मेरे पास, पुख्ता सबूत, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तूने माँ के पेट से भी फोन किया होगा ना, तो वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और 1 नवंबर और 2 नवंबर के बीच में तू कहां कहां गया था ना, उसका पूरा नक्शा है हमारे पास। वो जिसने तुझे 29 बार फोन किया था ना, उसका नाम पता भी है मेरे पास। तो चल अब सच सच बता। माँ की कसम खाकर कह रहा हूं कुछ ना पता। कुछ नहीं किया तूने? हवलदार एक मटका लेके आना। बहुत ज्यादा हो रहा साहब, बता रहा हूँ। चुप चुप कर रहा है, ज्यादा हो रहा साहब। ये मटकी फोड़। चोरी हमने मुझे लुटे थे सारे, बहुत मजे लुटे थे, पर मैं साहब अकेला नहीं था, मेरे गला 4 और थे। ड्यूटी के बाद ढाबे पे बैठे थे, मजे लिए थे हमने। मुझे किया था तूने? मारो मत साहब, बता दिया साहब, बता तो दिया, बता तो दिया साहब। बाकी तीनों का नाम बता। बता रहा हूँ साहब, बता बता रहा हूँ साहब, छोड़ो तो सही, बता रहा हूँ। बता। विजेंद्र, सुनील और नरेंद्र। छोरा बोल लिया, दादी री दादी खाट दे दे। दादी का बेटे कैसे दे दूं, मैं खुद बाबा धोरे सोऊं। छा गया लोंडा, यू बिले राकेश आ गए गोबर जैसी शकल के। अरे सारी कमी थी, बड़े दिनों बाद नसीब हुई है। अच्छा सुनो भाई, तो वो फूल सुन है ना, अरे लट्टा पसीने में होगा भीड़। अरे देखियो भाई, ये चोरी बाबड़ी से लग गया यार, ये तो कति कदराई सी है। अरे घने दिन हो गए, कोई मार भी मुंह ना लग गया। सही कह रहे हैं। अरे पेट में शराब भी और सामने यो सबाब भी, जी कर रहा है इसका कबाब बना का खा जा रहा है। अरे छोरी, अरे कुछ खा देगी, कुल्फी है हमारे पास। जीजी के पास तो हम ले चलेंगे, कुल्फी है हमारे पास। जीजी जीजी पास जाना। चल अब खिलवाओ मुझे कुल्फी। आजा ले ले ले, आजा आजा चल ना भाई, आजा। छोरा छोरा, अरे छोरे, अरे मजे लेना तो जल्दी से आजा। अरे तीनों के तीनों आजा यार, अड्डे पे अपने। तीन और लोग मतलब 9 लोग साहब, फिर हम लोग सारे के सारे। अरे बावड़ी पूछ, सारा मजा खुद ही लेगा क्या है? अरे अच्छा, अरे बात सुन लो सारे,
एक के घर का लोगे, सुन गया? और सबसे पहला मैं लूंगा। आयो बात सही है भाई, रुक जा। देरोली एक बार ही और करा। अरे के पैर में लग रहा, चल। अरे ओ चल चल चालू आ जा। थैंक यू। जी जी अरे क्या हो गया था ना फिर? जी जी छोरी पागल ना है? जी करने लग रही, देख यो मर बाबा की अगर मुंह खोल दिया तो। अरे मुंह खोलेगी तब ना, देख। ओए पता लगा, पता लगा बढ़िया था। अरे ले आ तावली, कोई ना बचेगा। जा अरे सतीश, ये पत्थर गिर गया कहीं इधर, जा। भाई जल्दी से लाश को फेंको, क्योंकि सवेरा होने वाला है। अगर किसी ने टेम्पो देख लिया, कहीं मालिक को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई मैं चलता हूँ यार, मजे तो तने पूरी रात लिए थे। चुप चुप गया, चल। कति गदराई हुई तो यार। छोरी का चेहरा तुमने बिगाड़ी दिया था साहब, ताकि उसने कोई पहचान ना सके, और फिर हमने उसने फेंक दिया। और उसके बाद हमने ख्याल आया कि उसके कपड़े थे, अभी उन्हें कोई पहचान लेगा। फिर हमने उसे कपड़े तार के और कति दूर खेत में चढ़ा दिए। चल यार जल्दी करें तो राजेश की तरह हम भी पकड़ जाएंगे यार। आजा जल्दी जल्दी आजा। कहाँ जा रहा है बे? चल चल चलो, जाने दो। चलो 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 चलो। हाँ रुको 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 सर, सर आपने कुछ नहीं। किसने क्या है? किसने मारा इसको? मारा। सर इसको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा, उठाओ। उधर देखो सर।
ले दस। दिसंबर 2012 दिल्ली, नवंबर 2014 हरियाणा। एक घिनौना कांड होता है, लोगों का आक्रोश बाहर आता है, कैंडल्स मार्च होते हैं और फिर सब शांत। कल की सुर्खियों की खबर कुछ ही दिनों में भुला दी जाती है और फिर किसी और जगह किसी और बच्ची और महिला के साथ बलात्कार। क्यों होता है ये? कानून में अगर मौत की सजा का प्रावधान भी हो तो भी ये जुर्म रुकते क्यों नहीं? क्या हमारे समाज में पुरुषों की मानसिकता इसका मूल कारण है? हम चाहे जितना भी कहें कि हमारे देश में नारी की पूजा होती है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे समाज में आज भी नारी को सिर्फ उपभोग की ही वस्तु माना जाता है। दंगों में सबसे पहले वही शिकार होती हैं। बच्चियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। उस मासूम, नासमझ और मानसिक रूप से असमर्थ बच्ची का क्या दोष था कि एक चक्री के पीछे पीछे वो अपने घर से दूर चली गई? इंसानियत तो ये कहती है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी असहायता का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक मुजरिम, एक विकृत दिमाग ये सब कहां सोचता है? इस केस से मुजरिमों को तो सबक मिला, लेकिन हमें भी ये सीख मिलती है कि औरतों पर होने वाले जुर्म हमारी मानसिकता का ही नतीजा है। जब तक औरतों के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे जुर्म होते ही रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।